मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको यूक्रेन वीजा में और इमिग्रेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं हूं अपने होस्ट के घर पे खारकीव में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे आप यूक्रेन के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इमिग्रेशन करते वक्त आपको क्या क्या सवाल पूछेंगे एंड क्या क्या आपको इमिग्रेशन में सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे आपको उनके सवाल के जवाब देने हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यूक्रेन वीज़ा के बारे में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको यूक्रेन वीज़ा में और इमिग्रेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आप वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने यूक्रेन के वीजा अप्लाई किए थे रशिया में। स्टार्टिंग में मैं जब पहुंचा था मॉस्को, तब स्टार्टिंग के एक दो दिन में ही मैंने वीजा अप्लाई करना चालू कर दिया था मॉस्को में यूक्रेन के एम्बेसी से। सबसे पहला जो स्टेप है वीजा अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का वीजा चाहिए। अराउंड आपको 1 से मिनिमम 3 मंथ्स का वीजा मिलेगा यूक्रेन का। एंड आपको वो डिसाइड करने के बाद सबसे पहले फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, visa mfa.com करके है। उस फॉर्म में हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक हमें किस डेट तक यूक्रेन में रहना है, स्टे करना है, कहाँ पर स्टे करना है, होटल बुकिंग्स चाहिए, ऑल इन्फॉर्मेशन, लाइक आप क्या वर्क करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, या आपको किस पर्पज पर चाहिए वीजा, ऑल आपको इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ये फ्री ऑफ चार्ज है, आपको उसके लिए कोई लाइक चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसकी प्रिंट निकालनी है और ये पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट है आपको चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस, कोविड का जो रिपोर्ट है आपको एम्बेसी में नहीं देना है, बस आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए जिसमें कोविड कवर हो। तो मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, अगर आपको अदरवाइज आपको वो वीज़ा नहीं देंगे तो मेक श्योर आप मेडिकल इंश्योरेंस साथ में रखें। थर्ड आपको चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें आपका 70 से 80% फेस दिखता हो और पीछे व्हाइट या फिर कोई भी लाइट ब्लू जैसा बैकग्राउंड हो, ये फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। थर्ड फोर आपको चाहिए आपके जो सारे पासपोर्ट के फील्ड कॉपी पेज है, लाइक आपका फर्स्ट पेज जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, एड्रेस वगैरह, एंड जो लास्ट पेज है उसमें जो आपका सारा नाम वो जो है वो आपको उसकी जेरोक्स आपको देनी है। फोर डॉक्यूमेंट वो, एंड फाइव आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अराउंड 3 मंथ का भी चलेगा या फिर अगर 6 मंथ का दोगे तो अच्छा बेटर रहेगा, मैंने 6 मंथ का ही दिया था। लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपको अराउंड दिखाना पड़ेगा कि आपका क्या ट्रांसलेशन है। लास्ट 3 एंड 4 मंथ का आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अराउंड 50 से 1 लाख का अराउंड होना चाहिए आपका बैलेंस बैंक में। सो लास्ट 6 डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए होटल बुकिंग, होटल या फिर हॉस्टल्स की बुकिंग चाहिए। एम्बेसी का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको उसके होटल बुकिंग उसमें डिटेल सारी आपको ऐड करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पर रुकने वाले हैं, होटल्स का नाम क्या है, हॉस्टल का नाम क्या है। तो आप ये पहले ही आप होटल बुकिंग कर ले अपनी, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी पहले वो फॉर्म भरने के लिए। चाहे आप booking.com से भी करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको चाहिए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है आपको सबसे पहले रेडी करने और फिर आपको जाना है यूक्रेन की एम्बेसी में। इंडिया में भी एम्बेसी है अवेलेबल दिल्ली में, तो फर्स्ट आप एम्बेसी में जा सकते हो और सबमिट कर सकते हो ये सारे डॉक्यूमेंट। जो सेकंड है VFS ग्लोबल के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर VFS में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपके। मैंने जो अप्लाई किया था वो मॉस्को में किया था यूक्रेन की एम्बेसी में। एंड वीजा मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह का ग्रीन कलर का कुछ वीजा है, बिना फोटो का स्टिकर वीजा है यूक्रेन का। तो ये बात हो गई सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वीजा के लिए। अब बात करते हैं कॉस्ट की, कितना खर्चा होगा आपको यूक्रेन के वीजा के लिए, जो मेन बात है वो। तो मैंने अप्लाई किया था मॉस्को में जिसमें मुझे लगा था 85 यूरो। आप दो प्रकार से वीजा अप्लाई कर सकते हैं, एक 85 यूरो वाला था जो करीब होता है 6500 रुपीज एंड 6500 रूबल, सेम टू सेम करेंसी का जो रेट है वो सेम टू सेम है रूबल एंड रुपीज का। तो मुझे लगे थे 6500 रुपीज, 6500 रुपए। ये जो 6500 वाला जो वीजा है वो आपको मिलेगा अराउंड 14 से 15 डेज में। जो दूसरा है वो है 160 यूरो का, वो आपको मिल जाएगा 4 से 5 वर्किंग डेज में, जो करीब होता है 12500 रुपए, 12500 रुपीज। तो मैंने जो लिया था वो 6500 वाला ही लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था रशिया में ट्रैवलिंग करने का, तो मैंने वो 6500 वाला लिया। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए इमरजेंसी में तो आप 160 यूरो वाला भी ले सकते हैं, एंड सेम टू सेम यही प्राइस होगी इंडिया में भी, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये आपको वीजा फीस देनी है और वो आपका पासपोर्ट रखेंगे, और जो भी आपकी कंडीशन है 14 से 15 डेज की या 4 से 5 डेज की, उसके बाद आपको एम्बेसी जाना है या फिर आपने VFS के थ्रू अप्लाई किया होगा तो आपके पास पासपोर्ट घर पहुंच जाएगा डिलीवरी में। मेरे केस में मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पर ट्रैवलर हूँ तो मुझे पासपोर्ट चाहिए हर एक चीज के लिए, ट्रेन की बुकिंग्स के लिए एंड सिम कार्ड लेने के लिए हर एक चीज में, तो मुझे प्लीज मेरा पासपोर्ट मेरे पास रखने दीजिए। तो उन लोगों ने मुझे पासपोर्ट दे दिया था, मेरा एक स्लिप दे दी थी उन लोगों ने मुझे, जिसमें उन लोगों ने मुझे
टाइम बताया कि 14 डेज के बाद आपको सुबह 10 बजे आना है एंड फिर 2-3 घंटे मेरा पासपोर्ट वो रखेंगे एंड फिर मुझे वीज़ा मिल जाएगा। 14 डेज के बाद मैं गया था और बस इजीली मुझे वीज़ा मिल गया 2 घंटे में। तो ये थी सारी वीज़ा की प्रोसेस, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो एंड सब कुछ क्लियर हो तो आपको वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो इमिग्रेशन है, मैंने बॉर्डर क्रॉस की, उसकी जो लंबी कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ अब कि आपको इमिग्रेशन में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा लेना तो आसान है परंतु यूक्रेन में आना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ से डिपोर्ट होते हैं। अगर आप यूक्रेन आना चाहते हो तो आप रशिया एंड यूक्रेन के अराउंड टेरिटरी से भी बॉर्डर क्रॉस करके भी आ सकते हैं, या फिर कीव, लेवियो जैसे बड़े सिटी में आप लैंडिंग कर सकते हैं बाय फ्लाइट इंडिया से। ट्रांसलेट फ्लाइट भी अवेलेबल है, डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल है, तो आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके भी आ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी इमिग्रेशन की कहानी एंड बॉर्डर पर जो भी कुछ हुआ उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ अब।